आज हम देखेंगे कि अनासे के लिए आटा कैसे तैयार करना है। ये आटा हम गुड़ और चावल के आटे से तैयार करेंगे। इस आटे से बनने वाले अनासे बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं अनासे का आटा। हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेखा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुरेखा स्पेशल रेसिपी में। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमें अनासे बनाने के लिए चावल का आटा तैयार करना है। इसके लिए मैंने एक ग्लास फुल चावल लिए हैं। चावल जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वही लेने हैं। इस चावल को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। मैंने यहाँ फुल एक ग्लास चावल लिए हैं। इसका हमें आटा तैयार करना है। अब इसे हम अच्छे से दो तीन पानी से धो लेंगे। ज़्यादा चावल को रगड़ कर नहीं धोना है, हल्का सा सिर्फ मसल कर धोना है। चावल आप कोई भी ले सकते हो, सिर्फ वो सफ़ेद होने चाहिए, ब्राउन या फिर येलोइश कलर के दिखने वाले ना ले। आप चाहे तो राशन की दुकान से मिलने वाले चावल से भी सफ़ेद और सुंदर जालीदार अनासे बना सकते हो, क्योंकि मैंने खुद पहले वीडियो में वही चावल लिए थे। बस बताई गई टिप्स को आप फॉलो करें। अब इसे हम ढक्कन रख कर 3 दिन ऐसे ही रख देंगे। ध्यान रहे, 3 दिन तक हमें इसका रोज़ एक बार पानी बदलना है। इसकी थोड़ी सी स्मेल आएगी, लेकिन फर्मेंट होने से ही स्मेल आती है। चावल अच्छे से फर्मेंट होने से ही अनासे को सुंदर जाली आएगी। अब 3 दिन चावल को हो गए हैं, इसे और 2-3 पानी से धो लेंगे। चावल इस तरीके की छलनी में रखेंगे तब तक जब तक पूरा पानी इसका निकल ना जाए। पानी पूरा निकल चुका है। अब हमें इसे कॉटन के कपड़े पर इस तरीके से अच्छे से फैलाकर पंखे के नीचे या फिर ऐसे ही इसे सूखने देना है। हल्की सी इस चावल में नमी है, ऐसी ही नमी वाले चावल हमें चाहिए अनासे का आटा बनाने के लिए। लगभग 2 से 2.5 घंटे लगे हैं इसे सूखने के लिए। अब इसे मिक्सर के पॉट में पीस लेंगे। इस तरीके की मैदा छानने वाली छलनी से हमें इसे छानना है। अब ये जो छलनी में बचा हुआ है इसे हम फिर से बचे हुए चावल के साथ पीसेंगे। अब सारे चावल को पीस कर छानने के बाद जो बचा हुआ दरदरा आटा है इसे हम हटा देंगे। गुड़ को मैंने चाकू से बिल्कुल बारीक काट कर लिया है। इसमें हमें गुड़ के मोटे मोटे पीसेस बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, इसलिए आप गुड़ को कद्दूकस करके भी ले सकते हो, बढ़िया रहेगा। अब हम चावल का आटा और गुड़ को परफेक्ट मेज़र करेंगे, क्योंकि अनारसे बनाने के लिए जो मेज़रमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अनारसे बिगड़ सकते हैं। मैंने 1 ग्लास फुल चावल लिए थे, इससे 2 ग्लास आटा बना है। अब हम इस तरीके से ग्लास को लेवल करके 2 ग्लास चावल का आटा लेंगे। दो ग्लास चावल के आटे को 1.5 ग्लास से थोड़ा सा कम इसमें गुड़ डालेंगे, यानी कि 1 ग्लास को 1.25 ग्लास गुड़ डालेंगे। थोड़ा सा कम ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अनारसे बनाना चाहते हो तो बर्तन कोई भी ले सकते हो, जैसे कि पतीला, लेकिन मेजरमेंट आपको ठीक इसी तरीके से लेना है ताकि आप भी एकदम परफेक्ट जालीदार अनारसे बना सको। अब इसे दोनों हाथों से अच्छे से मसल मसल कर पहले मिक्स करेंगे।
मैंने जो अनारसे की रेसिपीज़ अपलोड की है उसमें चीनी और चावल से बने अनारसे का मेज़रमेंट अलग बताया है, और व्रत के अनारसे के लिए समा के चावल और चीनी पाउडर का मेज़रमेंट बिल्कुल अलग बताया है। मेरे बताने का मतलब सिर्फ यही है कि हर प्रकार के अनारसे का जो मेज़रमेंट है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके अनारसे का जो मटेरियल है वो वेस्ट हो जाए। आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं इसे हाथों पर घिसकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसी तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पका हुआ केला। एकदम से हमें इसमें पूरा केला ऐड नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें केले को मिलाकर मस लेंगे। अब इस केले के इतने टुकड़े को ही हम इस आटे में अच्छे से मस लेंगे। अब अगर ज़रूरत हो तो ही हमें इसमें दूसरा पीस मिलाना है, नहीं तो नहीं, क्योंकि अगर हमने केला इसमें पहले ही ज़्यादा डाल दिया तो अनारसे का आटा फैलने लगता है, फिर अनारसे बनाते वक्त अनारसे का जो शेप है वो बिगड़ जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा केला डालकर पहले अच्छे से मसलना है, फिर ज़रूरत पड़ने पर ही और केला मिक्स करना है, नहीं तो बिल्कुल केला मिक्स नहीं करना है। इतने आटे में आधे से ज़्यादा केला मैंने यूज़ किया है, इतना बच गया है, इसकी आटे में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं खा लेती हूँ। अब हमने इस आटे को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब हम इस आटे से लड्डू बनाएंगे। इस लड्डू को हम एक स्टील के साफ और सूखे डिब्बे में ही 3 दिन तक रखेंगे, उसके बाद ही इस आटे से अनारसे बनाएंगे। ये हो गया हमारा अनारसे बनाने के लिए आटा तैयार। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से 3 दिन में अनारसे आप नहीं बना पाए तो इस आटे को हम 10 से 15 दिन तक रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। जैसे जैसे ये आटा सेट होता है, अनारसे बहुत सुंदर और बढ़िया से बनते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।